सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय बेहद संजीदा है। हमारा विषय आज दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा लिए गए एक निर्णय पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक पिछले दिनों 3 दिन तक रायपुर में हुई। इस 3 दिन की बैठक में संघ के तमाम पदाधिकारी तो मौजूद थे ही, जिनमें मोहन भागवत से लेकर तमाम कार्यवाह सरकार आदि मौजूद थे, पर इसके अलावा संघ परिवार से जुड़े हुए 36 संगठनों के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। कुल जमा तकरीबन 250 लोगों की मौजूदगी 3 दिन तक एक परिसर में रही। किसी को बाहर से ना आने की इजाज़त थी, ना किसी को जाने की इजाज़त थी। 3 दिन तक चले चिंतन के बाद कल सहसर कार्यवाह मनमोहन वैद्य मीडिया से रूबरू हुए और बैठक में लिए गए तमाम प्रस्ताव, चर्चा और निष्कर्षों के संदर्भ में बातचीत की। उसके दौरान मनमोहन वैद्य ने देश से जुड़े हुए, दुनिया से जुड़े हुए तमाम मसलों पर अपनी बात कही, पर एक बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की, जिसके केंद्र में रखते हुए आज हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, वो ये थी कि संघ का विचार है, संघ का फैसला है, संघ का अनुरोध है कि अब देश में विद्यालय, महाविद्यालयों में हिंदुत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में उनका तर्क था कि यहाँ तक कि UK और अमेरिका में भी हिंदुत्व की पढ़ाई पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, तो इस देश में हिंदुत्व की पढ़ाई विद्यालयों में क्यों नहीं कराई जानी चाहिए। संघ का सीधे तौर पर यह कहा जाना हमें विमर्श के लिए बाध्य करता है या समझने की जरूरत है कि आखिर हिंदुत्व से संघ का आशय क्या है, हिंदुत्व की शिक्षा से आशय क्या है। इस देश के संविधान के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो संविधान की धारा 28(1) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को प्रतिबंधित किया गया है, शासकीय रूप से पोषित संस्थाओं के संदर्भ में। इस देश में अगर विद्यालयों की बात करते हैं तो देश में तकरीबन 15 लाख से अधिक स्कूलों की संख्या एनरोल्ड है, मतलब पंजीकृत है। उन 15 लाख में से तकरीबन 11.5 लाख स्कूल सरकारी हैं। इसके अलावा अर्ध सरकारी की करीब 80-90 हज़ार की संख्या है और तकरीबन 4 लाख स्कूल ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित हैं। तो जिस देश में 11.5 लाख स्कूल सरकारी हैं और वहाँ पे संविधान के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दिया जाना प्रतिबंधित है, ऐसे में संघ के द्वारा दी गई दृष्टि क्या व्यवहारिक है, इसे समझने की जरूरत है। दूसरा, समझने की जरूरत यह भी है कि इस देश के संदर्भ में सनातन धर्म सनातन काल से चला आया है, तो क्या अपने ही देश में इस धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा के संदर्भ में प्रतिबंध को न्यायोचित करार दिया जा सकता है। हिंदुत्व और सनातन धर्म के संदर्भ में क्या फर्क संघ महसूस करता है, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। हिंदुत्व से आशय क्या है, इस बात को एक बार फिर समझने की जरूरत है। क्या इस हिंदुत्व में इस्लाम की शिक्षाएं भी शामिल हैं? क्या इस हिंदुत्व में ईसाइयत को भी शामिल किया गया है? क्या बौद्ध धर्म या जैन धर्म के अंतर्गत कही गई बातों को भी स्थान दिया गया है? यह भी हमारे विमर्श के केंद्र में है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो देश के संदर्भ में इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि संघ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। अगर किसी को इस दावे पर एतराज हो भी तो भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय देश में जिस पार्टी की हुकूमत स्पष्ट बहुमत के साथ है वह मार्गदर्शन के लिए इस संघ के दरवाजे पर ही जाती है। जिसको इस दावे पर संदेह है या जो इस दावे को खारिज करता है उसकी जानकारी के लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि संघ की इस बैठक में जो 3 दिन तक चली, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी 3 दिन तक उस बंद परिसर में मौजूद रहे। तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया की मौजूदगी में लिए गए फैसले को क्या गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए और क्या सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेगी, ये भी आपके जहन में होना चाहिए। तो इस पृष्ठभूमि के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन आपको रूबरू कराएं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र शिक्षा के संदर्भ में ही है। मनमोहन वैद्य जब बात कर रहे थे तब उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया था, हमारा विचार सूत्र भी आज रविन्द्रनाथ टैगोर का ही दिया हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि शिक्षा का मकसद है अज्ञान को दूर करना और ज्ञान की रोशनी में प्रवेश करना। तो कुल मिलाकर अज्ञान हमारे जीवन से द्रोहित हो, दूर हो और ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बने ताकि हम विवेक जीवी हो पाएं, विवेक युक्त हो पाएं और देश, समाज और परिवार की भलाई के लिए कार्य कर सके, यह शिक्षा की आधार भूमि है।
इसे जहन में रखते हैं और इसके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय चिंतक संघ विचारक प्रशांत पोल जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी ही हमारे इस कार्यक्रम की विचारधारा को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। हमारे साथ में संघ दीक्षित ही चिंतामणि मालवी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा है, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, संघ का वह भी हिस्सा है, तो उनकी मौजूदगी भी हमारे लिए निश्चित रूप से एक उपलब्धि रहेगी। संघ के विचारों से अमूमन मत भिन्नता रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी भी आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और इन सब के बीच में बेहद विद्वान इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी हैं, प्रगतिशील हैं, देश समाज के लिए क्या कुछ बेहतर है उसे धर्म की सीमाओं से बाहर जाकर हमेशा अपनी बात रखते हैं। उनकी मौजूदगी भी हमें उम्मीद है कि इस विमर्श को समृद्ध करेगी। चर्चा की शुरुआत हम प्रशांत पोल जी से करना चाहेंगे और प्रशांत पोल जी आपसे ही समझना चाहेंगे, क्या है संघ के द्वारा लिए गए फैसले के मायने? संघ के सह सरकार्या मनमोहन वैद्य ने जो ये बात कही है इसका थोड़ा विस्तार अगर आपके माध्यम से मिले तो हम इस चर्चा को और विस्तारित कर पाए। प्रशांत जी। जी नमस्कार और धन्यवाद जी। जो आपने बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण विषय उठाया है उस संदर्भ में मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जी। फैसला, ये जो शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं जी, वो संघ ने फैसला नहीं लिया है, क्योंकि माननीय मनमोहन जी ने भी अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की बैठक यह समन्वय की बैठक है, इसमें कोई निर्णय या फैसला नहीं लिया जाता और ये बहुत जिसको रूटीन पद्धति की बैठक हम कहते हैं उस प्रकार की है। इसी समय पिछले वर्ष भी हैदराबाद में बैठक हुई थी, उसी प्रकार की बैठक इस बार रायपुर में हुई है जी। तो बैठक में कोई बहुत विशेषता ऐसी इस प्रकार से नहीं थी, लेकिन ये जो विषय सामने आया है कि उसमें संघ ने जो चर्चाएं की है, चर्चा में से सबके 36 संगठनों के बीच में कुछ जो समान मुद्दे सामने निकल कर आए हैं और जिन मुद्दों पर हमने जोर देना है उनमें से एक मुद्दा है कि हिंदुत्व की शिक्षा यहां हमें हमारे पाठ्यक्रम में या हमारे शालाओं में महाविद्यालयों में होनी चाहिए, इस विषय पर हमने कहा है और जरूर कहा है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व की शिक्षा यानी एग्जैक्टली क्या जी? हिंदुत्व यह धर्म, मतलब जिसको रिलीजन से अलग है, धर्म की संकल्पना रिलीजन नहीं है। जितने एकेश्वरवादी रिलीजन है उस रिलीजन से हिंदुत्व यहां अलग है। हिंदुत्व एक प्रकार की जीवन पद्धति है, लेकिन जैसे हम आज तक स्कूल में पढ़ते आए हैं या हमें पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ा है कि भारत की खोज है वास्को डी गामा ने की, इस प्रकार की इतनी गलत बातों से पूरे मानसिकता को, बच्चों की मानसिकता को जिस प्रकार से प्रभावित किया गया है और हमारे देश के बारे में जो सम्मान होना चाहिए, आत्माभिमान होना चाहिए, उस अभिमान को ही चोट आज तक शिक्षा प्रणाली या शिक्षा पद्धति से पहुंचाई गई है जी। तो हमारे पास जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जी। हम भारत एक ज्ञान परंपरा का देश रहा है जिस पर जिसे सीखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे, वो जो चीज है हमारे हमारे देश की, वो चीज है हमारे विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। अब जो संदर्भ लिया गया है कि ब्रिटेन और अमेरिका, और सिर्फ ब्रिटेन अमेरिका नहीं, मैं तो उदाहरण दे सकता हूं कि अनेक देशों में, मैं रिपीट करता हूं, अनेक देशों में इस समय इंडोलॉजी की, संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है, जिसमें ऋग्वेद के 9वें और 10वें अध्याय के एक मंत्र है, संगच्छध्वं सम, इस प्रकार के जो मंत्र है जो यह बताते हैं कि हम सब एक साथ रहे, हम सबका विचार एक रहे, हम एक होकर काम करें, इस प्रकार के सूत्र हमारे ऋग्वेद से आए हुए, जिनको मुखोद्गर करके ब्रिटेन के छात्र उसको लोग के सामने ला रहे हैं। ब्रिटेन में 3 बड़ी बड़ी स्कूल ऐसी है जहां पर एडमिशन मिलना कठिन है, वहां संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो संस्कृत की पढ़ाई होनी चाहिए, और सिर्फ ब्रिटेन के विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस समय जर्मनी में 27 विश्वविद्यालय ऐसे है जहां पर संस्कृत में हम पीएचडी कर सकते। प्रशांत जी, मैं विनम्रतापूर्वक बीच में आपको टोकने के लिए बाध्य हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि इसका आशय क्या है? क्या इस देश में अभी भारतीय धर्म संस्कृति की पढ़ाई महाविद्यालय या विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जा रही? क्या संस्कृत इस देश के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? क्या संस्कृत में सुभाषित नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या इस देश के ज्ञान विज्ञान से पढ़ाया नहीं जा रहा है? आपने इस देश में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा के संदर्भ में उल्लेखित किया, कहाँ पढ़ाया गया? ये भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, स्पेन के संदर्भ में वहाँ के नाविक ने भारत
जाने के संदर्भ में रास्ता खोजा ये पढ़ाया गया, पर इसी देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, सातवाहन वंश, हर्षवर्धन जाने कितनी ही उपलब्धियों को हिस्सा दिया गया है, ये सब हमने अपने इसी पाठ्यक्रम, इसी शिक्षा प्रणाली में सीखा है। सरस्वती शिशु मंदिर पिछले 75 साल से इस देश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देता आ रहा है। क्या सरस्वती शिशु मंदिर, जो संघ पोषित संगठन है, उसने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अभी तक नहीं पढ़ाया है? संघ के द्वारा जो कल कहा गया, आपने कहा कि वो फैसला नहीं है, मनमोहन वैद्य सीधे तौर पर बोल रहे हैं, बैठक में ये तय किया गया है कि देश के विद्यापीठों में हिंदुत्व की पढ़ाई होनी चाहिए। मैं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ जानना चाहता हूं कि हिंदुत्व की पढ़ाई से आशय क्या, क्या पढ़वाना चाहता है संघ, थोड़ा स्पष्ट हो तो जयप्रकाश जी जैसे, मनीषी या अतिकुर रहमान जैसे विद्वान हमारे साथ में हैं, उनको दिशा मिल सकेगी, नहीं तो संघ के संदर्भ में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। आप जैसा विचारक हमारे साथ उसके बाद भी भ्रम रहे तो ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा देशवासियों के साथ। मैं फिर से कहना चाहता हूं इसी बात को कि हिंदुत्व की पढ़ाई का आशय धर्म की, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, रिलीजन की पढ़ाई से नहीं है, पहली बात जी उसे हम स्पष्ट कर ले। दूसरी बात, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं वो हमारी जीवन पद्धति है जी। तीसरी बात, ये संस्कृत की बात हमने की है और आपने कहा है कि संस्कृत पढ़ाई जाती है, संस्कृत भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण आपसे देना चाहता हूं कि जिस श्लोक का मैं उदाहरण दे रहा हूं, उस प्रकार की शिक्षा जो हमें एक करे, हमारे पुरखों ने हमारे मन में जो भावना निर्माण की है, जिसे बाहर के देश पढ़ा रहे हैं, हमारे यहां वो नहीं पढ़ाई जाती है। चौथी बात, जो आपने शिशु मंदिर की बात की है, सरस्वती शिशु मंदिर की, सरस्वती शिशु मंदिर में तो इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बड़े अनुपात में दी जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा सारे हमारे जो सारे शिक्षा केंद्र है, चाहे वो विद्यालय है, महाविद्यालय है, कॉलेजेस है, ऐसे इसमें भी ये प्रकार, इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। चौथी बात, इस प्रकार की शिक्षा जब हम देने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व पे आधारित शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो हम राष्ट्र सर्वप्रथम हिंदुत्व का मंत्र है जी। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की बात की है, उस प्रकार की राष्ट्र को सामने रखकर। ये ठीक है कि मौर्य साम्राज्य और बाकी साम्राज्यों की बात की, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि मौर्य साम्राज्य के लिए कितना स्थान है और मुगलों के इतिहास के लिए कितना स्थान है। आज भी मैंने जब मैं पड़ोस के एक बच्चे का पाठ्यपुस्तक देख रहा था, तो उसमें चार पृष्ठ इतिहास के, चार पृष्ठ मुगलों पे है और आधा पृष्ठ शिवाजी पे है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो हमारे मूलों के साथ, जो हमारे मूलाधार है इस देश का, जिसके ऊपर कुठाराघात किया गया, हमारा जो आत्माभिमान है, मैं फिर कहता हूं हर देश की एक चिति होती है, आत्माभिमान होता है, उस आत्माभिमान को अगर हम प्रज्वलित करें, उस आत्माभिमान को अगर हम उठाए, तो देश बड़ा होता है। पिछले 8-10 वर्षों में हमने देखा देश ने जिस पद्धति से सारी चीजें हासिल की है, वो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से आ सकती है, इसीलिए आ सकती है। प्रशांत बोल जी कई सारी बात कह रहे हैं, हालांकि मैं अभी भी हिंदुत्व आधारित शिक्षा को तलाश रहा हूं, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने पाठ्य पुस्तक को पलट के देखा, चार पन्ने मुगलों के संदर्भ में मिले और शिवाजी के संदर्भ में आधा पेज मिला। लेकिन प्रशांत जी, सवाल इस बात का है कि मुगलों का इतिहास इस देश में 1526 से शुरू होता है, जब बाबर भारत पर हमला करता है, और इस देश में शासक के तौर पर 1526 से शुरू हुआ इतिहास 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ तक जुड़ा रहता है, बल्कि 1862 तक भी जा सकता है, जब बहादुर शाह जफर की रंगून में मौत होती है। लेकिन छत्रपति शिवाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए 1680 में ही स्वर्ग सिधाड़ जाते हैं। तो एक तरफ आप कार्यकाल देखें 1526 से लेकर 1857 तक का, और एक शिवाजी का बतौर राजा के तौर पर कार्यकाल अगर है भी एक सीमित भूभाग के संदर्भ में, तो मात्र 8 वर्ष का। अब 8 वर्ष बनाम 300 वर्ष के शासन काल में आप आधा पेज बनाम 4 पेज को लेकर अगर हिसाब करना चाहेंगे, तो इतिहास हम अपनी सुविधा से मोड़ दें, क्या हिंदुत्व यही शिक्षा होगी? इस पर आपके तर्क के लिए मैं बाद में आऊंगा, पर अतिकुर रहमान साहब के पास आना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं, संघ के द्वारा मंशा जाहिर की गई है, यह मंशा आपको कितना उत्साहित करती है या कितना डराती है? अतिकुर रहमान साहब, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब? जी धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु जी। जी डॉक्टर साहब, प्रॉब्लमेटिक यहीं पर है। देखिए, हम बहुत आशा कर रहे थे और डरने की बात तो ये है कि पढ़ पढ़ के अब डर निकल सा गया है, लेकिन कभी कभार डर भी लगता है। जी डर इसलिए निकल गया है, मैं आपको बताऊं कि जो बुनियाद है आरएसएस की जी, और इसमें कोई बुरा या अच्छा मानने वाली बात नहीं है, मैं प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं,
कि आरएसएस की बुनियाद ही है एक्सक्लूसिव पॉलिसी जी, सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय जो कि हिंदू घरों में जन्म ले, हिंदुस्तान में जन्म ले, इसमें मुसलमान जिनका सेंटर काबा है या क्रिश्चियन जिनका सेंटर क्रिश्चियनिटी की तरफ जाता है, उनका कोई स्थान नहीं है। और जहां तक की स्टडीज का सवाल है डॉक्टर साहब, मैंने आरएसएस को जहां तक की समझा है और पढ़ा है, जो एजुकेशन है आरएसएस की पूरी फिलोसफी में, वो एजुकेशन के तार जुड़ते हैं हिटलर और मुसोलिनी से। जी, क्योंकि मैं इसके एवज में मैं सिर्फ एक आपको स्टेटमेंट बताना चाहूंगा जी, जो कि बी एस मुंजे जी ने कहा था हेगड़ेवर साहब को और लालू गोखले ऑन 31 मार्च 1934, जहां पर मुंजे जी एजुकेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हाँ जी, एजुकेशन और हिंदू धर्म शास्त्र की बात कर रहे हैं। आई हैव थॉट आउट अ स्कीम बेस्ड ऑन हिंदू धर्म शास्त्र विच प्रोवाइड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू आउट इंडिया, बट द पॉइंट इज दैट दिस आइडियल कैन नॉट बी ब्रॉट टू इफेक्ट अनलेस वी हैव अवर ओन स्वराज्य विद अ हिंदू एज अ डिक्टेटर। अंडरलाइन करने वाली बात है, एज हिंदू एज अ डिक्टेटर लाइक शिवाजी ऑफ ओल्ड और मुसोलिनी और हिटलर ऑफ द प्रेजेंट डे इन इटली एंड जर्मनी, बट दिस डज नॉट, और इसको आप जोड़ सकते हैं मोदी जी से भी जी, आज के प्रेजेंट डे की अगर बात करें, बट दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू सिट विद फोल्डेड हैंड्स अंटिल सम सच डिक्टेटर अराइजेस इन इंडिया, यानी अराइज हो चुका है मोदी जी का अराइवल आ चुका है, वी शुड फॉर्मुलेट अ साइंटिफिक स्कीम एंड कैरी ऑन द प्रोपोगंडा फॉर इट। और इसी तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो कि सिर्फ एक चीज दर्शाते हैं, माइनस क्रिश्चियनिटी माइनस इस्लाम एंड मुस्लिम ओनली एंड ओनली हिंदू, हिंदू शास्त्र हिंदू संस्कृति, जिस तरह से अभी साहब बता रहे थे कि संस्कृत पढ़ानी चाहिए, और यह भी कहा जा चुका है मोदी साहब के रूल में कि द फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर विल बी संस्कृत। तो ये क्या दर्शा रहा है डॉक्टर साहब, क्या दर्शा रहा है? तो इसमें डर क्या है आतिकुर रहमान साहब? इस देश के आदिकाल की भाषा जो है संस्कृत रही है, ये जो भूभाग है इसने अपने ज्ञान विज्ञान को संस्कृत भाषा के माध्यम से पोषित किया, पल्लवित किया, बीच में आक्रांता आए तो उसके कारण से ये व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। अब अगर उस विचार के साथ चलने वाले लोग सत्तारूढ़ हैं और उन्हें लगता है कि खोए हुए गौरव को वापस स्थापित करना चाहिए, तो इसमें आपको ऐतराज क्या है? मदरसों में फारसी की शिक्षा दी जाती है इस देश के अंदर, तो अगर संघ ने ये चाहा कि इस देश में शिक्षा में संस्कृत को स्थान मिले, हिंदू संस्कृति को स्थान मिले, तो क्या आपको ये नाजायज लगता है? ये सवाल है, क्या कहते हैं? जो मदरसों के मुतालिक आपने कहा डॉक्टर साहब, तो मॉडर्नाइजेशन तो चल ही रहा है उसका, बहुत जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा मैं समझ रहा हूँ जी। तो अगर मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना है तो फिर संस्कृत स्कूल्स का मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं? अलबत्ता उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आपने जो भय और डर की बात की मैं उस पर आ रहा हूँ जी। अगर मान लीजिए ये एजेंडा आरएसएस का सक्सेस हो जाता है जी, तो डर ये है कि वो 1980s का दशक जहां पर जियाउल हक ने पाकिस्तान को एक थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के अंदर? तो आतिकुर रहमान साहब ने एक दिशा दी, उनका कहना है कि 1980 के दौर में जनरल जियाउल हक ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक कट्टर इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर दिया और उसके नतीजे, आतिकुर रहमान साहब पहले भी इस बात को उल्लेखित करते रहे हैं, पाकिस्तान को जिस बदहाली के कगार पर ला दिया, क्या भारत के संदर्भ में भी ऐसी परिकल्पना के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं? ये भय ये आशंका आतिकुर रहमान साहब साझा कर रहे हैं। मेरे पास दो मेहमान हैं, एक जयप्रकाश जी एक चिंतामणि जी। मुझे लगता है चिंतामणि जी को इस आशंका के संदर्भ में बोलने का अवसर देना चाहिए। चिंतामणि जी शायद प्रशांत जी के मुकाबले ज़्यादा मुखर तरीके से बोलेंगे। प्रशांत जी शालीनता के साथ में रहते हैं,
चिंतामणि जी उग्रता के साथ में रहते हैं, भारतीय संस्कृति में दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो चिंतामणि जी, थोड़ा आपकी आक्रोश भरी अभिव्यक्ति हमारे दर्शकों से साझा हो इस विचार के संदर्भ में। प्रशांत जी ने तो कह दिया कि यह फैसला नहीं है, चर्चा है, लेकिन मनमोहन वैद्य जी ने हम लोगों को बताया था यह फैसला है। क्या कहते हैं, चर्चा ही है या फैसला है? देखिए, उन्होंने चाहिए शब्द का उपयोग किया, ये आपने भी पढ़ा है, इसलिए चाहिए फैसला नहीं होता, वो चर्चा ही होता है जी। दूसरी बात यह है कि मैं धन्यवाद करता हूँ, एक अच्छा विचारोत्तेजक विषय हिमांशु जी आपने लिया है जी। अब चूंकि इसके पहले कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोल लेते तो बेहतर होता, लेकिन अतिकुर रहमान जी की मैं बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा जी। आप संघ को एक्सक्लूसिव बता रहे थे, संघ से ज्यादा कोई इंक्लूसिव हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं सरसंघ चालक जी ने कहा है कि मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं, और पूजा पद्धति से कोई फर्क नहीं होता, उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो लेकिन उनके पूर्वज हिंदू हैं, उन्हें इस संस्कृति, इस देश की संस्कृति को और इस देश की सभ्यता को स्वीकार करना चाहिए, वो पूजा पद्धति कुछ भी रखे, तो इससे ज्यादा इंक्लूसिव तो कुछ हो नहीं सकता जी। दूसरी बात यह है कि हमारी जो जो इन्होंने बात की, मुसोलिनी से जोड़ा, इनसे जोड़ा, मुझे जी का अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन परिणाम में यदि आप देखेंगे तो जो हिंदुत्व की शिक्षा है वो जो इस विश्व में सौंदर्य फैलाती है, आप देखिए हमारे विचार कितने उदात्त है, सर्वे भवंतु सुखिना। अगर आप इस्लाम की बात करेंगे, इनकी शिक्षाएं देने जाएंगे तो ये कहेंगे नहीं केवल मुसलमान ही सुखी होना चाहिए, बाकी तो सबसे आप वो ले लो, टैक्स ले लो, जजिया ले लो, उन्हें खत्म कर दो, उन्हें मार दो, सर्वे संतु निरामया, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल है जी। कि भाई आप भी निरामय हो, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, हम तो कह रहे हैं कि तेन तक तेन गुंजिता वसुदेव कुटुंबकम, हम तो इनको भी अपना कुटुंब मान रहे, क्या ये कुटुंब मान सकते हैं? ये तो कहेंगे कि जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, वो तो नरक में जलाया जाएगा, उसको जलाया जाएगा सदियों सदियों तक, वो तो उसको तपती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। बताइए अतिकुर रहमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इन बातों से इनकार कर सकते हैं? आप इन बातों को मानते हैं या नहीं मानते अतिकुर रहमान जी? यदि नहीं मानते, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा है भाई। ये तो पढ़ाया जा रहा है ना, ये तो पाठ्यक्रम में है ही, पर ये पर्याप्त कहां माना जा रहा है? अगर ये से आप संतुष्ट हैं तो संघ क्यों कह रहा है कि हिंदुत्व को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए? मतलब ये जो पढ़ाया जा रहा है ये हिंदुत्व के दायरे में नहीं आ रहा है। आपसे जानना ये चाहता हूँ, पढ़ाना क्या चाहते हैं? क्या आप इस देश को मनुस्मृति पढ़ाना चाहते हैं? क्या वर्णाश्रम पर इस देश को चलना चाहिए ये पढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास में जो आदि ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत विरोधाभास बहुत हैं। आपसे जानना चाहता हूँ चिंतामणि जी, पढ़ाना क्या चाहते हैं? ये तो हम पढ़ ही रहे ना, पर ये पर्याप्त कहाँ है? अगर ये पर्याप्त है तो फिर संघ ने ये कहा क्यों कि हिंदुत्व को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए? तो कम से कम अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो तो हिंदुत्व नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। आप थोड़ा स्पष्टता देंगे? देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, आप अपने आप को ठीक कीजिए। मनुस्मृति हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, किसी भी हिंदू के घर में आपको मनुस्मृति नहीं मिलेगी। मनुस्मृति कोई हमारा प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, उसमें अनेक समय पर अनेक चीजें लिख दी गई है, तो हिंदू उसे स्वीकार नहीं कर रहे। हम एक खुली हुई विचारधारा के हैं, जहां सांख योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत और अनेक चार्वाक और बौद्ध और जैन और सब रहे हैं, और एक दूसरे की इसी वैचारिक प्रतिबद्धता से, प्रतिद्वंद्वता से हमारा दर्शन विकसित हुआ है, हमारा ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ है। तो हम इनकी तरह बंधी हुई व्यवस्था नहीं है कि किताब में है वही सब सत्य है और उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर किताब कहती है कि धरती चपटी है तो फिर धरती चपटी है, भले सारी दुनिया कुछ कह दे कि नहीं धरती सूरज का चक्कर लगा देगी, लेकिन अतिकुर रहमान कहेंगे कि नहीं नहीं सूरज धरती का चक्कर लगा रहा है क्योंकि कुरान में लिखा है। तो ये हमारी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, हम मूल्यों की बात कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे। सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो मूल्यों को कहा है कि हिंदू जीवन मूल्यों की जरूरत है जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा है, और कई लोग कहते हैं कि अगर इस विश्व को कोई मूल्य बचाएगा तो वो हिंदू जीवन मूल्य है जी। क्योंकि एक भी संस्कृत विद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ व्यक्ति बम बांध करके कहीं कूद नहीं गया, लेकिन मदरसों में पढ़े हुए हजारों लोग लाखों लोगों की जान ले चुके हैं। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा, इस अंतर को समझना पड़ेगा, ये कहना है चिंतामणि जी का। मैं जयप्रकाश जी के पास रुख करता हूँ। शासन का हिस्सा रहे, सार्वजनिक जीवन जीते हैं, संघ के द्वारा जो इच्छा जताई गई है, मेरे दोनों काबिल साथियों ने इसे फैसले के तौर पर स्वीकारने से मना किया है, चर्चा के स्तर पर है। इस चर्चा के संदर्भ में जयप्रकाश जी आपका क्या नजरिया है? देखिए, जिस तरह की बात आज
जी कही गई है। वैसे तो आप खुद ही बोल रहे थे कि भारत के संविधान में या भारत का संविधान हमें ये इजाजत नहीं देता कि किसी भी धर्म का जी शिक्षा में दखल अंदाजी हो जी। और मैं खुद हिंदू हूँ, हम भी हिंदू हैं जी, लेकिन हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक राजनीति का साधन बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है जी, हम उसका विरोध करते हैं जी। वो हमारा जीने का एक तरीका था, ये बात इनकी ठीक है, हम जीवन बसर करते हैं जी। लेकिन ये को मतलब नहीं है कि हर मामले में। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चिंतामणि जी से जी, जो ये बात कह रहे थे 7-8 साल में ही राष्ट्रवाद हमें आया है, क्या इस देश में जिस देश को आजाद कराने वालों ने जिन्होंने जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है उसमें सब धर्मों के लोग नहीं थे क्या जी? इस देश की आजादी के लिए सब धर्मों के लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी क्या जी? जब भारत का संविधान एक धर्म निरपेक्ष संविधान है जी, या तो जो चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में बदलाव करना चाहती है, जैसे पिछले दिनों रिजर्वेशन को लेकर के बड़ा एक बवाल उठा था एससी की रिजर्वेशन को लेकर के, आपको याद होगा जी। तो इस तरह की जो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, मैं निवेदन कर दूंगा प्रशांत पोल जी से जी, कि अगर वो चाहिए की बात है उसमें और करने में दोनों में अंतर है जी। वो तो उनका विचार है, ये कहें कि संविधान में संशोधन करके और हिंदुत्व की शिक्षा को महत्व दिया जाए, दोनों में फर्क है। पहले तो इसमें क्लियर ये करो कि संघ चालक जी ने इस मीटिंग में क्या फैसला लिया है जी, क्योंकि देश के लोग भी जानना चाहते हैं जी, देश के लोग आरएसएस की मनसा भी पहचानना चाहते हैं जी। हम आरएसएस, ये ठीक है आरएसएस सामाजिक संगठन है और आरएसएस ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया है, कई बार भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी किया आरएसएस के लोगों जी। लेकिन आज इस तरीके से 8 साल से आरएसएस को एक साधन बना करके और धर्म के नाम से इस प्रदेश में, इस देश में जिस तरह का वातावरण किया गया है, मैं उसका विरोधी हूं। पर आप एक बात बताइए, कुल मिलाकर संघ ने मंशा जताई कि देश के स्कूल कॉलेज में हिंदुत्व की पढ़ाई होनी चाहिए, क्या जयप्रकाश जी इस विचार के साथ नहीं है? क्या जयप्रकाश जी नहीं मानते हैं कि हिंदुत्व के अंतर्गत जिस प्रकार की शिक्षाएं हैं, जिस प्रकार का प्रावधान है, जिस प्रकार की जीवन पद्धति के लिए आग्रह है, वो वाकई देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, विश्व हित में है, इसलिए इस बात पर आगे बढ़ना चाहिए, भाजपा का विषय नहीं बल्कि ये देश का विषय बनना चाहिए? जयप्रकाश जी, इसके संदर्भ में आपका कोई ऐतराज? मेरा कोई ऐतराज नहीं, मेरा ऐतराज है क्योंकि भारत के संविधान को मानना बंद कर दो फिर जी। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या इनका इस भारत के संविधान में विश्वास है कि नहीं है? एक बात बताइए जयप्रकाश जी, इस संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो रखे हैं, एक संशोधन और हो जाएगा, धारा 28(1) क्या कहती है? वो कहती है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से मतलब सरकारी खर्च से जो शिक्षण संस्थाएं चलती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस देश ने संविधान निर्माण के बाद में 100 से ज्यादा संशोधन कर लिए, जयप्रकाश जी की पार्टी दमखम वाली पार्टी रही, उसने अपने अनुसार संशोधन कर लिया, अब चिंतामणि जी की पार्टी उसमें भी दमखम की कमी नहीं है, एक संशोधन हो जाएगा। आपसे विचार के स्तर पर स्पष्टता चाहता हूं, क्या आप हिंदुत्व के संदर्भ में ऐसा मानते हैं कि उसकी शिक्षा देने से इस देश के नागरिक ज्यादा समृद्ध, ज्यादा विचारवान, ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा मानवीय होंगे? इसके संदर्भ में आपका नजरिया जानना चाहता हूं जयप्रकाश जी। मैं डॉक्टर साहब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर चर्चा जब शुरू होगी जी, जब पहले भारतीय जनता पार्टी जो हमारा धर्म निरपेक्ष संविधान है जी, उसमें बदलाव करे, उसमें अमेंडमेंट करे, क्योंकि लोगों के मन में जो शंकाएं हैं, विशेष तौर से इस देश का शेड्यूल कास्ट जी, इस देश का दलित समाज इस बात से भयभीत है, इस देश का पिछड़ा इस बात से भयभीत है कि हमारा रिजर्वेशन का हक छीना जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से केंद्र में सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इस पे चर्चा जब करूंगा हिंदुत्व पे जी, पहले संविधान में संशोधन करें, फिर क्या संशोधन आता है संशोधन। जयप्रकाश जी कह रहे पहले संविधान संशोधन करके दिखाओ, उसके बाद बात करेंगे। मुझे जाना है रमेश शर्मा जी के पास, पर चिंतामणि जी को लगा कि अब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं तो मेरे बोलने के लिए ठीक माहौल है। चिंतामणि जी, आपका संक्षेप। सबसे पहले जयप्रकाश जी को बता दूं कि स्वयं सरसंघ चालक जी ने 20 बार कहा है कि इस देश में जब तक गैर बराबरी है आरक्षण खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया आप भ्रमित करना बंद कर दीजिए। और दूसरा है कि मैं खुद दलित हूं, मैं खुद अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं और ये कह रहा हूं कि हमें कोई भय नहीं है,
कोई संविधान नहीं बदला जा रहा है, ये केवल कांग्रेस भ्रमित कर रही है जनता को। चिंतामणि जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है हम डर रहे हैं? हम किसी से नहीं डर रहे, बल्कि हमारे कारण से लोग डर रहे हैं, नजरिया है। बहरहाल मैं रमेश जी के पास आना चाहता हूं, और रमेश जी इस पूरे विचार के संदर्भ में आता हूं जयप्रकाश जी आपके पास में, एक बार रमेश जी से इस चर्चा को दिशा देने की कोशिश करता हूं। और रमेश जी, आप तो बहुआयामी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। मनमोहन वैद्य 3 दिन की चर्चा के निष्कर्ष पर तमाम मुद्दों पर बोले, पर यह बिंदु ऐसा है जिसे विस्तार दिए जाने की जरूरत है। आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरी बात को, जानने में दिलचस्पी हमारी? देखिए, मोटे तौर पर जहां तक मैं समझता हूं हिंदुत्व को, अब संघ की परिभाषा हिंदुत्व की क्या है, भाजपा की क्या है, कांग्रेस की क्या है, अतीक रहमान जी क्या सोचते हैं, ये लोग तो वो जाने। लेकिन जहां तक मैं हिंदुत्व के बारे में समझता हूं, हिंदू शब्द ऋग्वेद के 10वें मंडल में 2 ऋचाओं की संधि में आया है कि जो हिंसा से दुखी होता है उसे हिंदू कहा गया। फिर कुछ उपनिषदों में हिंदू की परिभाषा आई है कि हिमालय से लेकर के दक्षिण में सिंधु तक के जो भूभाग है उसके निवास करने वाले लोग हिंदू आए हैं। तो मोटे तौर पर अगर आप देखें ऋग्वेद के 9वें मंडल में अगर ये आया है कि हमको विश्व को आर्य बनाना है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस आर्य की परिभाषा आई है कि जो श्रेष्ठ नागरिक है उन्हें आर्य कहा गया। फिर श्रेष्ठ नागरिक कौन होंगे? जो सत्य में, अहिंसा में, क्षमा में और परोपकार में जो लोग रुचि रखते हैं और इसका आचरण जो लोग करते हैं वो श्रेष्ठ नागरिक होंगे। और तो कुल मिलाकर के जो आर्य का पर्यायवाची शब्द है कि इन 4 विधाओं में जो लोग जिएगा उसे हिंदू कहा गया है। तो मोटे तौर पर एक तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कहीं ना कहीं एक जीवन शैली है, सबने कहा है। ये ठीक उसी प्रकार का हिंदू शब्द है जिस तरीके से जर्मनी में रहने वाले व्यक्ति को हम जर्मन कह देते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले या फ्रांस में रहने वाले को फ्रांसीसी कह देते हैं, तो ये पाकिस्तान में रहने वाले को हम पाकिस्तानी कह देते हैं। उसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति को या तो हिंदू कहा जाएगा या हिंदुस्तानी कहा जाएगा। जहां तक मैंने फिर संघ की कुछ रिपोर्टिंग की है और सुना है संघ को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो हिंदू ही कहलाएगा, बस वो भले ही खुद को भारतीय कह ले या इंडियन कह ले, तो एक बात तो हमको इसको समझ लेनी चाहिए। फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति में एक बात जरूर, मैं अभी किसी प्रवक्ता ने कहा था कि जो आदि ग्रंथ है हिंदुओं के उसमें विवाद है, हिंदुओं का आदि ग्रंथ वेद है और वेद में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जो मध्य ग्रंथ है जिनको हम पुराण के रूप में कह सकते हैं या मनुस्मृति के रूप में कह सकते हैं, उसमें मतभेद हो सकते हैं। और उसमें मतभेद होने का कारण यह है कि उसमें कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे मनुस्मृति, मनुस्मृति में कभी 26-27 श्लोक ऐसे हैं जो नारी के प्रशंसा में है और करीब 25-26 श्लोक ऐसे हैं जो नारी की आलोचना में है। तो कुल मिलाकर के जो अगर कह रहा है कि देवता वही होंगे जहां नारी है, और वो कैसे कह सकता है कि नारी नरक का द्वार है? तो मुझे जो अच्छा, फिर दोनों की संस्कृत में अंतर है। तो ये जो जोड़ बांट बाद में की गई, लेकिन वेद में विशेषकर ऋग्वेद में जो 10,550 ऋचाएं हैं उसमें किसी प्रकार की जोड़ बांट नहीं है और वो शुद्ध है। और 2 उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं कि संस्कृत की अगर पढ़ाई की जाती है तो संस्कृत दुनिया की हर भाषा की नानी माँ है। संस्कृत की बेटी अवेस्ता है, अवेस्ता की बेटियां अरबी और फारसी है, संस्कृत की बेटी लैटिन है, उसकी बेटी अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, संस्कृत की बेटी मैड्रिन है, उसकी बेटी चीनी और दूसरी भाषाएं हैं। सर किसी भी भाषा का हो, वो फ्रांसीसी बोले, वो जर्मनी बोले, वो अरबी बोले, वो फारसी बोले, वो चीनी बोले, सर जो है वो संस्कृत का ही आएगा। आप देख लीजिए, उसका कारण है कि संस्कृत में स्वर और व्यंजन का जो निर्माण हुआ है वो अनुसंधान के आधार पर हुआ, वो स्वरों के आधार पर हुआ। कभी आप इस पर रखेंगे तो मैं बताऊंगा। रमेश जी, आपने काफी विस्तार से बात कही, मैं एक मूलभूत बिंदु पर आपको आना चाहता हूँ। ये दलील बहुत बार दी जाती है, संघ प्रमुख भी ये बात कह चुके हैं, जो इस भूभाग पर रहता है वो हिंदू है। उदाहरण के तौर पर आपने भी कहा जो जर्मनी में रहता है वो जर्मनी का कहलाता है। दिक्कत ये है कि इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम इंडिया है, संविधान में यही वर्णित है, तो हम इंडियन कहलाते हैं। जो इस देश में रहता है वो भारतीय कहलाता है। अब संघ ये कहता है कि जो इस देश में रहता है वो हिंदू है। आपसे जानना ये चाहता हूं, दमखम वाली सरकार है, संघ के संरक्षण में चलने वाली सरकार है, ये दल मार्गदर्शन के लिए संघ के दरवाजे पर रहता है, तो इसका समाधान क्यों नहीं कर देते? संघ प्रमुख की बात को झुटलाया ना जा सके किसी के द्वारा। क्या आपको नहीं लगता है संविधान संशोधन की बात हो रही है? देश का नाम ही बदल दीजिए, हिंदुस्तान करिए, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी कहलाएगा।
अतिकुर रहमान साहब को भी दिक्कत नहीं रहेगी और बाकी को भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस संदर्भ में कोई नजरिया आप देंगे, कहां डर रहे हैं हम ये करने में? मोटे तौर पर भारत, भारतीय खुद को कहना है या हिंदू खुद को कहना है, इंडियन खुद को कहना है, ये लगभग लगभग इसका संदेश एक ही है। और इंडिया शब्द भी जो बना है वो हिंदू शब्द का अपभ्रंश करके उन्होंने इंडिया बनाया, उन्होंने कोई अलग। अरे तो अपभ्रंश की जरूरत क्या है रमेश जी, मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, सरकार के संदर्भ में इस साहसपूर्ण फैसले में संकोच क्यों है? इसके संदर्भ में आप जैसा प्रखर पत्रकार कोई दृष्टि तो दे कि उसके मायने यही है, लगभग लगभग वही है। अरे सीधे तौर पर कहने में दिक्कत क्या है, यही तो मेरा आपसे सवाल है एक। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, ये कैसे बहकाते रहेंगे, कैसे बहलाते रहेंगे देश को कि हिंदू जो है वो धर्म रिलीजन नहीं है? अरे हम फार्म भरते हैं, कोई भी सरकारी फार्म भरे, 8 साल से दमदार सरकार चल रही है देश में, अभी भी फार्म में लिखा जाता है आपका धर्म, हम लिखते हैं हिंदू, अतिकुर रहमान साहब लिखते हैं मुस्लिम, आप बताइए ना, जो क्रिश्चियन है वो लिखते हैं क्रिश्चियन, तो कुल मिलाकर उसमें जीवन पद्धति को स्थान कहाँ है? हिंदू मुसलमान इसी के रूप में तो विभाजन है, क्या कहते हैं रमेश जी, अभी भी इसमें स्पष्टता नहीं आनी चाहिए? मोटे तौर पर जो धर्म के आगे हिंदू लिखते हैं वो, या धर्म के आगे मुस्लिम लिखते हैं वो, ये दोनों गलत हैं। मुस्लिम भी धर्म नहीं है, धर्म इस्लाम है, ठीक उसी प्रकार हिंदू भी धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। कुल मिलाकर अगर कोई मुस्लिम लिख देता है या हिंदू लिख देता है वो गलत लिख देता है। ये जो प्रचलन में आ गया है तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो सत्य को ही समझना है और सत्य को जो स्थापना है वही होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर उसमें तो हिंदू जो है वो जीवन शैली है, अगर आप क्या वेद को झुटला देंगे क्या, क्या काश्म उपनिषद को झुटला देंगे क्या, उसमें साफ लिखा है। इसी तरीके से धर्म, धर्म का अर्थ वो नहीं है जो धर्म का पूजा पद्धति धर्म का, वो इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन जो हम धारण करते हैं वो धर्म कहलाता है। जैसे आपका धर्म पत्रकारिता है, किसी का धर्म शिक्षक, कोई शिक्षक है तो उसका धर्म पढ़ाना शिक्षक। अतिकुर रहमान साहब मेरे साथ में, मुझे जाना तो प्रशांत पॉल जी के पास है, पर क्या रमेश जी की दलीलों से आप सहमत हो पा रहे हैं? अतिकुर रहमान साहब क्या ये आपके मन को संतुष्ट कर देता है कि सनातन धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, पर हिंदू जो है वो जीवन पद्धति है, ये भाव ये विचार आपको स्वीकार है अतिकुर रहमान साहब, या कोई और नजरिया आपका? ये जो इस्लाम है ये जीवन पद्धति नहीं है, ये जो ईसाईयत है ये जीवन पद्धति नहीं है, इसमें केवल उपासना की पद्धति बताई गई है, जीवन कैसे जिया जाए ये इस्लाम नहीं बताता, जीवन कैसे जिया जाए ये ईसाईयत के अंतर्गत क्रिश्चियनिटी में नहीं बताया जाता। थोड़ा दृष्टिकोण दे, ये हम ही दावा कर रहे हैं कि हम ही हैं एक इस दुनिया में जिसके पास जीवन पद्धति है, बाकी किसी के पास जीवन पद्धति नहीं, बाकी सच नहीं। डॉक्टर साहब जहां तक कि कुरान की टीचिंग का सवाल है, मैं जो शुरू में रमेश जी ने कहा था जी, जो दो चार चीजों का जो जिक्र किया था इन्होंने, उससे मैं निकाल रहा हूं कि कुरान में एक ही चीज आई है कि राइचियसनेस, यानी जो जो इंसान जो व्यक्ति अपने अपनी जीवन शैली के अंदर लिव एंड लेट लिव की भावना रखता हो, किसी तरह का भेदभाव ना करता हो, अपने से जुड़े हुए लोगों का हक अदा करता हो, कुरान में उसको राइचियसनेस कहा है। और राइचियसनेस की ही बिना बनेगी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जहां पर अल्लाह इंसानों को बख्शेगा। अल्लाह इसलिए नहीं बख्शेगा कि मैंने कितनी नमाज पढ़ी या कितना कुरान पढ़ा या मैंने कितना प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो किया, अल्लाह उन इंसानों को बख्शेगा जो इस जीवन के अंदर लोगों का हक अदा करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, गरीबों का हक अदा करते हैं। इन्हीं मिली जुली चीजों का जिक्र किया था रमेश जी ने, मैं समझ रहा हूं अपने अपने पहले स्टेटमेंट के अंदर जी। तो यहां पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई और हो, अगर वो जब तक कि इन जीवन शैलियों को अपना अपना अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाता है, मैं समझता हूं वो इंसान ही नहीं रहेगा, तो हिंदू मुसलमान क्या कहलाएगा जी। यादव रहमान साहब का नजरिया, लेकिन मैं प्रशांत पॉल जी के पास में उस विचार को लेकर आना चाहता हूं, और प्रशांत पॉल जी आपसे जानना चाहता हूं कि संघ इस विषय में स्पष्टता क्यों नहीं देता कि इस देश का नाम बदला जाना चाहिए? आप इतनी चीजों में बदलाव के हिमायती हैं, पूजनीय संघ प्रमुख की बात पे कोई संशय ना रह जाए, वो सहजता से ही स्वीकार हो जाए, उसका बड़ा आसान सा रास्ता है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान हो जाए, हिंदुस्तान में जो रहेगा वो हिंदुस्तानी होगा, भ्रम कहाँ रहेगा, इसमें संकोच क्यों रहता है?
थोड़ा इस पर भी प्रशांत जी आपके माध्यम से दृष्टि मिले हम लोगों को। संघ कभी संकोच हो गया करता नहीं, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने अगर देखा होगा तो 1947 तक और उसके बाद भी सारे समाचार पत्र तो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते थे। हिंदुस्तान नाम कोई नया नहीं है, हिंदुस्तान ही सारे लोग कहते थे। बाद में उसको हम भारत पहले भी कहते थे और बाद में भारत ज्यादा प्रचलन में आया, इसलिए नाम बदलने से बहुत कुछ होगा ऐसा लगता नहीं है। वो हिंदुस्तान पहले भी था, हिंदुस्तान आज भी है। माफ करिएगा प्रशांत जी, अभी अभी देश की सरकार ने कमाल का काम किया है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है और बताया कि गुलामी के चिन्ह को बदल दिया गया, देश के संदर्भ में नाम रखा गया है इंडिया, भारत। इस देश में जो रहता है वो हिंदू है। प्रशांत जी विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखना चाहता हूँ, उस पर आपसे नजरिए की उम्मीद करता हूँ। आप जैसा विचारक हमारे साथ में दृष्टि मिले ना, तो आपसे जानना चाहता हूँ नाम में कैसे नहीं रखा, आप सामने देख रहे हैं राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, इसे उपलब्धि के तौर पर बताया है। यहाँ मैं पूजनीय सरसंग चालक जी की कही हुई बात किसी के द्वारा झुठलाई ही नहीं जा सकेगी, इसके रास्ते के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और आपका समर्थन नहीं मिल रहा। पूछ रहा हूँ कि कई गलतियाँ की पूर्ववर्तियों ने, ये देश की सरकार भी बताती है, संघ भी बताता है कि देखिए पहले ठीक नहीं किया गया, इस देश के लिए जो ठीक है वो भी नहीं किया गया। तो मेरा ये सवाल है कि हिंदुस्तान के संदर्भ में क्या आपको नहीं लगता है कि पूजनीय सरसंग चालक जी की बात कहीं विवाद का विषय नहीं रहेगी, सहज स्वीकार्य होगा। जो भारत में रहता है वो भारतीय है, तो जब देश के संविधान में वर्णित होगा या देश का नाम हिंदुस्तान है तो हर व्यक्ति हिंदुस्तानी होगा। इस रास्ते पर जाने में दिक्कत क्या है प्रशांत जी, क्या आपको नहीं लगता है कि संघ की बैठक में इस बात पर विचार होना चाहिए, इस संदर्भ में दिशा जेपी नड्डा जी और बीएल संतोष को दी जानी चाहिए कि जाओ और सरकार को बताओ हम इस नजरिए पर सोचते हैं। कि हिंदुस्तान और भारत, हिंदुस्तान ये नाम पहले से, कोई अलग से नया नाम देने की आवश्यकता नहीं है, भारत भी पहले से है, भारत आज भी है। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि इस देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, उनके किसी स्टेटमेंट में यह शब्द नहीं है। पूर्ववर्ती हमारे सरसंघ चालक जी के भी स्टेटमेंट में कहीं यह नहीं है कि हिंदुस्तान यह नाम होना चाहिए देश का। मेरे ख्याल से ये मुद्दा नहीं है आज का मुद्दा, जो आपने बिल्कुल पहले मुद्दा उठाया तो मुझे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और बहुत सही सटीक मुद्दा आपने उठाया था, जिसे बाकी हमारे जयप्रकाश जी वैसे लोगों ने उसको भ्रमित कर दिया कि संविधान तक लेकर आए। संविधान का कहां है, कहां यहां संबंध है संविधान तक चर्चा लेने कर, और ये जो ठीक कहा है कि हमको भ्रमित कर रहे हैं अनेक बाकी के अवांछित मुद्दे लेकर ये भ्रमित किया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हम इस बात को ठीक से समझे कि इस देश का मूलाधार क्या है। ये देश एक जमाने में डॉक्टर एंगस मेडिस नाम सभी जानते हैं, प्रख्यात अर्थशास्त्री, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि पहली शताब्दी में पूरे विश्व का 33% व्यापार भारत से होता था, उसके बाद 11वीं शताब्दी में भी 28% आया, मतलब हम पूरे विश्व में सबसे समृद्ध देश थे, ज्ञान संपन्न देश थे। अगर हम ज्ञान संपन्न देश थे, समृद्ध देश थे, विश्व की एक नंबर की इकोनॉमी थे, और कुछ 200-300 वर्ष नहीं तो हजारों वर्ष तक अगर हम थे, तो हमारे इसमें कुछ, हमारे जड़ों में कुछ तो भी है। जो जड़ों में कुछ है वह सामने आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लोग उसे नहीं मान रहे हैं और बाकी के लोग मान रहे हैं। मैंने जो उदाहरण आपको दिया कि आपने वीडियो भी देखा होगा कि यूरोप के बच्चे और ये ऋग्वेद की प्रार्थना कह रहे हैं, सामूहिक रूप से कह रहे हैं जी। बेल्जियम के बच्चे सामूहिक रूप से कह रहे हैं, वहां पे लेटिन अमेरिका से लेकर अमेरिका में और अनेक देशों में आज इंडिक नॉलेज, इसकी बहुत ज्यादा क्रेज है, लोग उसमें पढ़ना चाह रहे, सीखना चाह रहे, समझना चाह रहे। ये सारी जो हमारी मूलभूत संकल्पनाएं हैं, ये हिंदुत्व है, और इसीलिए हिंदुत्व यहां धर्म नहीं है, यह बार बार बताया गया है, यह जीवन पद्धति है। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरे विश्व में अकेला हिंदुत्व ही ऐसी जीवन और विचार पद्धति है जो समग्रता से सारे मानव सृष्टि का विचार करती है, जिसमें पर्यावरण भी है, जिसमें योग भी है, जिसमें आयुर्वेद भी है, जिसमें शिक्षा भी है। हम समष्टि के साथ रहना चाहते हैं, सबके कल्याण की भावना के साथ रहना चाहते हैं। हमारे पास हजारों साल का ज्ञान है, लेकिन नई पीढ़ी उस ज्ञान से वंचित रहती है, इस बात की पीड़ा है। कुल मिला के संघ की दृष्टि इस संदर्भ में है। जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूँ, क्या आप इन चीज़ों से नाइतफाकी रखते हैं? हम चार वेद के नाम जानते हैं, पर उन वेद में क्या है इसके संदर्भ में अगर नई पीढ़ी से बात करेंगे तो शून्य बटा सन्नाटा है। क्या इसमें बदलाव हो, ये आपकी इच्छा नहीं है?
क्या आपको नहीं लगता है कि संघ की बात को, चूंकि संघ कह रहा है इसलिए ऐतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि इस देश के आदिकाल से चले आ रहे ज्ञान को आगे वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए सुनियोजित तरीके से काम हो, इसमें सहयोगी होना चाहिए? क्या कहते हैं जयप्रकाश जी? मैं तो पहले कह चुका हूं कि हिंदू तो जो हमारी पद्धति है जीने की है वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में हिंदू तब का सहारा लेकर के अब इन्होंने बात करी, अब अगर इससे पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा तो संविधान में संशोधन होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके से SC BC की रिजर्वेशन में इन्होंने ड्रामा कर दिया। ये पिछले 8 वर्ष से ये ड्रामा चल रहा है, इससे पहले ये लोग RSS यानी थी क्या? इन्होंने तो ड्रामा कर दिया, सुई भी इन्होंने बनाई, हवाई जहाज भी इन्होंने बनाया, देश को आजाद भी इन्होंने कराया, लाल किला भी इन्होंने बनाया। यानी के संघ विचारक साहब से मैं पोल जी से कहना चाहूंगा कि सब कुछ अपने ऊपर मत लो, राष्ट्रवादी का कांग्रेस पार्टी में, दूसरी पार्टियों में या दूसरे धर्मों में लोग नहीं है, राष्ट्रवाद की परिभाषा हम भी जानते हैं, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात भी हम भी करते हैं, लेकिन हिंदू तो हमारा जीवन बसर करने का एक तरीका है, लेकिन इसका जिस तरीके से शिक्षा में बदलाव करना चाहते हैं, लाओ आप संविधान संशोधन, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप क्या चाहते हैं। आप अपनी बात क्लियर करिए, आप ये राजनीतिक झंडा छोड़िए और जो देश की तरक्की के लिए आप कर सकते हैं वो करिए। आप पिछले 8 वर्ष से लोगों को भ्रमित करने का काम करें, आपने इस देश में 8 वर्ष में क्या किया है? महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान की माली हालत खत्म हो चुकी है, आज है क्या? व्यापारी परेशान है, सब तो परेशान है, ये कहना है जयप्रकाश जी का। लेकिन मर्म की बात के लिए मैं चिंतामणि जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आज आप शर्मसार कितने हैं, कितने शर्मिंदा हैं, कितने लज्जित हैं इस बात को लेकर कि 8 साल हो गए आपको देश में काबिज हुए और आपके मार्गदर्शक संगठन को अपनी बैठक के बाद निष्कर्ष में ये कहना पड़ा है कि इस देश के विद्यापीठों में हिंदुत्व की पढ़ाई होनी चाहिए। 8 साल में आपने इस दिशा में काम नहीं किया, इस बात को लेकर अपराध बोध कितना है चिंतामणि? देखिए समसारिता का कोई सवाल नहीं है, इस देश में 70 साल कांग्रेस और कम्युनिस्टों का कब्जा शिक्षा पद्धतियों पर रहा है, और केवल ऐसा 70 साल नहीं, सन 1937 में किताब लिखी थी सुंदरलाल ने और वो इतिहास लिखा था हिंदी में पहला जी। और उसमें जिस तरह उन्होंने भारतीयता को मानित करने का काम किया था वो तब से ही शुरू हो गया, उन्होंने सारे मुगलों के अत्याचारों को ढकने का काम किया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने किया, फिर उसके बाद कम्युनिस्टों ने किया, तो 70 साल से तो शिक्षा को जो भारत और भारतीयता को दबाने का काम हो रहा है, छुपाने का काम हो रहा है, जो कारपेट के अंदर रखने का काम हो रहा है। अगर पहली बार सरकार आई है, नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन संघ ने कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, संघ ने दिशा निर्देश दिया है, और दिशा निर्देश जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, वो कांग्रेस की सरकारों के लिए भी है, वो अन्य सरकारों के लिए भी है कि भाई भारतीयता की हिंदुत्व की पढ़ाई होना चाहिए, और हिंदुत्व जीवन मूल्य है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई नास्तिक भी खुद को हिंदू कह सकता है, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सी भी, कोई मानने वाला नहीं मानने वाला भी हिंदू अपने आप में रह सकता है। लेकिन मुझे अतिरिक्त अतिकुर रहमान साहब से पूछना है कि जो मोहम्मद को नहीं मानता और अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, लेकिन हिंदू रह सकता है, क्योंकि हिंदू जीवन पद्धति है, ये उस अर्थ में रिलीजन नहीं है, इसको अलग कर, हमारी संकल्पना रिलीजन की संकल्पना से बहुत पहले की है, हम इवाल हुए, हम बने नहीं है बाद में किसी की नकल करके, हमने वो सब नहीं किया है, हम एक इसीलिए हम सनातन है। दूसरी बात में एक और सवाल, बहुत विद्वान व्यक्ति, मैं बहुत आदर करता हूँ अतिकुर रहमान साहब का, बड़े माइंड, बड़े अच्छे आदमी है, मैं मेरा सिर्फ इतना सवाल है, उन्होंने कहा कि अच्छे आदमी को जन्नत मिलेगी, मुझे बता दीजिए इस्लाम के अनुसार महात्मा गांधी को जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तुमसा सवाल है माननीय चिंतामणि मालवीय जी का, वो जानना चाहते हैं महात्मा गांधी को जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी की जन्नत जाने को लेकर आप इतने इच्छुक क्यों चिंतामणि जी, ये जानने में मेरी जरूर दिलचस्पी है, थोड़ा ये भी बता दें कि उन्हें आप जन्नत क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं, अभी अतिकुर रहमान जी ने कहा है कि वो हर वो व्यक्ति जो अच्छा है वो जन्नत जाएगा, कि कुरान ऐसा कहती है, तो फिर तो आपके नियम सिद्धांतों को मानने की जरूरत नहीं, आपने तो सरसंचालक जी की बात मान ली, फिर तो सभी कुछ हो गया, तो इसमें ऐतराज क्या है? कुल मिलाकर वो भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, ये भावना है, पर मेरी अतिकुर रहमान साहब से जानने में दिलचस्पी है कि आप कह रहे हैं कि
कुरान में ऐसा कहा गया है, और इस देश के बहुसंख्यकों को कुरान के हवाले से बताया जाता है कि वह उसमें कहा गया है कि काफिरों का सिर कलम हो जाना चाहिए, सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। थोड़ा इसमें भी आप जैसे विद्वान से दृष्टि मिल जाए ताकि लोगों की जानकारी में इजाफा हो। अतीकुर रहमान साहब, थोड़ा विषय से अलग हो सकता है पर आपने बात ऐसी कह दी कि इसमें भी स्पष्टता आ जाए। जी डॉक्टर साहब, हिमान अपने चिंतामणि जी ने बड़ा अच्छा इसके अंदर एक वो किया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटैक इज दी बेस्ट डिफेंस जी। और मैं बहुत उत्सुक हूँ इनकी बातों का जवाब देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताना चाहूंगा चिंतामणि जी, जो लोग कहते हैं कि धरती पृथ्वी चपटी है वो एक ऑर्थोडॉक्स व्यू है। इस ऑर्थोडॉक्सी से हम लड़ते हैं, हमारा समाज लड़ता है, लिबरल मुसलमान लड़ता है, प्रोग्रेसिव मुसलमान लड़ता है। ये ऑर्थोडॉक्सी और सुपरस्टिशन से लड़ाई करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाती है जी। आप ये बताइए कि अगर रैशनल कोई बात करता है, जैसे कि हमारे रैशनलिस्ट थिंकर्स थे कालाबुर्गी, गौरी लंकेश, उनको तो मार दिया क्या? किसने मारा आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए उस बहस में नहीं पढ़ते हैं हम। आपने मुझसे कहा कि कुरान के तहत अगर कोई मोहम्मद को नहीं मानता है तो वो इंसान नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है चिंतामणि जी। चिंतामणि जी, प्रॉफेट मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके कोई बाध्य नहीं है, इससे कोई बाध्य नहीं है। अगर आपको इस्लाम में एंटर होना है तो एंटर होइए, लेकिन अगर आपको नहीं होना है तो आप बताइए, अगर आप रुचि रखते हो तो आप प्रॉफेट मोहम्मद के वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना साइन किया प्रॉफेट मोहम्मद ने उस वक्त के ज्यूज और क्रिश्चियंस के बीच में, और बराबर उनके गिरजाघरों में घंटा बज रहा था, बराबर पूजा पद्धति चालू थी, क्यों थी? अगर सिर्फ ये होता कि मोहम्मद को मानने वाले ही रह सकते हैं तो वो क्यों होता? और आपका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो था, क्या महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो चिंतामणि जी, आपको थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए मैं बताऊंगा, कुरान में कम से कम 15 से ज्यादा ऐसी आयते हैं जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद को, और ये और आपके भी सवालों का जवाब देगा डॉक्टर साहब जी, प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह ताला ने वॉर्न किया है कि आप सिर्फ मेरे पैगंबर हैं, आपका काम मेरा पैगाम पहुंचाना है, अगर मेरा पैगाम लोग मानने से इनकार कर देते हैं तो आपका काम दुश्मनी मोल लेना नहीं है, आपका काम उनको बाध्य करना नहीं है, आपका काम उनको कंपेल करना नहीं है या उनके इश्यू सेटल करना नहीं है। यू आर जस्ट अ वार्नर एंड अ कैरियर ऑफ माय मैसेज जी। महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, दिस विल बी डिसाइडेड ऑन द कर्मा ऑफ महात्मा गांधी ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तय करने वाला है, चाहे वो आप हो, मैं हूं या महात्मा गांधी हो, इसका डिसीजन सिर्फ अल्लाह और निर्णय तो अल्लाह करेगा अतीकुर रहमान साहब, लेकिन आपका भी तो कोई आकलन होगा। महात्मा गांधी ने जो जीवन जिया है, जिस प्रकार का जीवन उनका रहा है, उसके आधार पर चिंतामणि जी की जिज्ञासा का समाधान अतीकुर रहमान साहब तो करने जाएंगे। क्या मानते हैं कि महात्मा गांधी ने ठीक ठाक जीवन जिया, ऐसे व्यक्ति को तो जन्नत नसीब होगी या आपके अनुसार नहीं होगी, कुछ काम ठीक भी नहीं किया? तो उनकी जिज्ञासा का तो समाधान कर देना आप। चिंतामणि जी ने इतनी मासूमियत से आपसे सवाल किया है, उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आपका अपना आकलन, अल्लाह का फैसला नहीं पूछा जा रहा है, आपका आकलन जानने में दिलचस्पी होगी। मैं दो 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 पॉइंट में इसका जवाब देना चाहूंगा डॉक्टर साहब जी। सबसे पहला पॉइंट के महात्मा गांधी की जो हस्ती थी जी, जो आपका व्यक्तित्व था, वो ना सिर्फ हम भारतवासियों के लेकिन पूरी दुनिया के लिए एज एन आइडियल है जी। और इस आइडियल शख्सियत को अगर मैं कहूं कि नहीं वो जन्नत में जाने के लायक नहीं है, तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है डॉक्टर साहब कि एक अच्छे मुसलमान या एक अच्छे इंसान को ये कामना करनी चाहिए कि चिंतामणि जी और सारे हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर साहब और आरएसएस संचालक भी जन्नत में जाएं, वो ऐसा काम करें, वो ऐसी पद्धति अपनाएं, वो ऐसे ऐसे शुल्क अपनी जिंदगी में लेके आए जो उनको जन्नत लेके जाए। तो जो बात कह रहे हैं अतीकुर रहमान साहब, वो हिंदू दर्शन के उस भावना के तहत कह रहे हैं कि जिसमें हम बात कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संतु निरामया, सबके कल्याण की बात। तो अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारी तो कल्पना है कि जितने भी लोग हैं सब इसी भाव से आगे बढ़े। लेकिन मैं चर्चा को आखिरी मुकाम पर ले जाना चाहता हूं और उसके लिए रमेश जी के पास में मेरे पास जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। और रमेश जी आपसे जानना चाहता हूं, संघ के द्वारा दी गई दिशा क्या सरकार के द्वारा गंभीरता से नहीं ली जानी चाहिए? आपने जिस प्रकार से हिंदू शब्द की व्याख्या की, जो वेदों के संदर्भ में बताया, क्या आप नहीं मानते हैं कि भले ही अभी पाठ्यक्रम में कुछ पढ़ाया जा रहा है पर उस पाठ्यक्रम में विस्तार की जरूरत है, उस पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है और इस देश की जीवन पद्धति के संदर्भ में, हजारों साल के ज्ञान के संदर्भ में नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है? आपकी आखिरी टिप्पणी। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं समझता हूँ सरकार को संघ की जो आज की बैठक में जो आया है, सरकार को इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और भारतीय परंपरा का जो ज्ञान है और जो सत्य है उस ज्ञान की कम से कम नई पीढ़ी को जानकारी मिलनी चाहिए। कितना बड़ा झूठ पढ़ाया जाता है कि आर्य हमलावर थे, जबकि आर्य की एक जीवन शैली है। एक छोटी सी बात, पूरे संसार में अगर शल क्रिया गई है तो वो भारत से गई है। अणु का आविष्कार कणाद को अगर आप देखें, ईसा से 200 साल पहले कणाद हुए हैं। अणु का वर्णन भारतीय वाङ्मय में मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है जो भारतीय हजारों वर्षों का ज्ञान है, कई बार तो अभी विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया अभी तक मन की प्रसन्नता तक पहुंची है, भारत इससे एक कदम आगे आनंद तक पहुंचा है। पूरी दुनिया अभी दूध का मक्खन निकालने तक पहुंची है, भारत इससे एक कदम आगे जीत निकालने तक पहुंचा है। तो ये जो ज्ञान है, आनंद शब्द का विलोम शब्द नहीं है, प्रसन्नता का विलोम शब्द आपको मिलेगा, आनंद का विलोम शब्द नहीं है, आनंद का बहुवचन नहीं है। तो ये जो परम ज्ञान की परिस्थिति है भारत की हजारों वर्षों तक, मैं समझता हूँ नई पीढ़ी को ये दिया जाना चाहिए, नई पीढ़ी को उस तक पहुंचाना चाहिए। एक आखिरी टिप्पणी, जयप्रकाश जी कुछ करने जा रहे हैं, मेरे पास में 30 सेकंड है। जी जयप्रकाश जी, आपकी बात। चिंतामणि जी कह रहे थे नई शिक्षा नीति, चिंतामणि जी नई शिक्षा नीति का एक नतीजा है कि जो दिमाग है, जो ब्रेन है, सारा विदेशों में कितनी फाइल लग रही है। भारतवर्ष का नौजवान इस देश को आपकी नई शिक्षा नीति की वजह से छोड़ के जा रहा है। आपकी नई शिक्षा नीति ने क्या दिया है? वेल्डर फीटर तक हम रखने की प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया साइंटिस्ट डॉक्टर को लोहा मानती थी हिंदुस्तान के ब्रेन का, आज आपकी पार्टी ने जिस नई शिक्षा नीति लागू करके इस देश के नौजवान को नीचा करने का प्रयास किया। जयप्रकाश जी का कहना है, लेकिन मर्म की जो बात हमारे पास इस चिंतन के अंतर्गत, इस विमर्श के अंतर्गत निकल कर आई है वो ये है कि इस देश के पास हजारों साल के तजुर्बे के साथ ज्ञान है। वो ज्ञान हिंदू मुस्लिम ईसाइयत के दृष्टिकोण से देखे जाने के स्थान पर बेहतर होगा इस देश की विद्वता की दृष्टि से देखा जाए, जो इस देश में पनपा है, अनुभव के आधार पर संचित किया गया है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नई पीढ़ी को उसे हस्तांतरित किया जाए, उसको संप्रेषित किया जाए, उसके हवाले किया जाए। देश की सरकार की जिम्मेदारी है कि संघ की बैठक में जो निष्कर्ष निकल कर आया है उस पर विचार करे और देश के लिए जो उचित है उसे नीति के तौर पर लागू करे। क्या देश की सरकार यह फैसला समय लेते रह पाएगी, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मनीषियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब समय है आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी प्रासंगिक पंक्तियां ये कहती है, संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश विकास है, इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधान भास है। मैथिली शरण गुप्त ने इस देश की सभ्यता और संस्कृति को समर्पित ये पंक्तियां हमें सौंपी थी। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन पंक्तियों को सार्थक करें और आने वाली पीढ़ी को इस पर फख्र करने लायक तैयार करें। क्या हम ऐसा कर पाएंगे, ये हम और आप विचार करें। इसके बाद मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।